हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकी कॉन्वो। आज हम बात करने वाले स्मार्टफोन केसेस के ऊपर। पहले ही मैंने इसके ऊपर दो वीडियोस बनाई है जिसमें मैंने बोला आपके स्मार्टफोन के लिए कौन सा केस अच्छा है और कौन सा केस नहीं अच्छा है। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है जाके देख लो, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। बट फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें अपने स्मार्टफोन को केस के साथ रखना चाहिए कि बिना केस के रखना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि भाई ने दोनों चीजें ट्राई कर ली है, तो बेटर चीज कौन सी है इस वीडियो में आज मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, तो चलो फटाफट करते हैं हम टेक कॉन्वो की ये वीडियो स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले तो अगर आप लोगों को पता होगा, मैंने अपना ये Redmi Note 7 बहुत टाइम से ये सुपर में मतलब केस लगा के रखा हुआ है। तो अभी मैं पीछे करनाल साइड गया हुआ था, तो वहां पे मैंने डिसाइड किया इस तरह की कुछ वीडियो लेके आऊं। सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा बेनिफिट्स विदाउट केस और विद केस, क्या बेनिफिट्स है। सबसे पहले हम बात करते हैं विदाउट केस की। अगर मैं विदाउट केस की बात करूं, विदाउट केस अगर अपना स्मार्टफोन रखते हो, एक तो ये आपको हाथ में पकड़ने के लिए आपको एक प्रीमियम सा कुछ अच्छा फील देगा, प्रीमियम फील अगर आपको लेना है। क्योंकि आजकल के जो अगर मैं प्लास्टिक बैग वाले स्मार्टफोन्स की बात करूं, जैसे Realme 5 Pro, Realme 3, Realme 3 Pro, Vivo के स्मार्टफोन्स ले ले या Oppo के स्मार्टफोन्स ले ले, उसका भी जो प्लास्टिक बैग है उसके ऊपर जो डिजाइंस जो बने होते हैं ना, वो भी हाथ में प्रीमियम फील देते हैं हमें। MI अपने सारे स्मार्टफोन्स में ग्लास बैक ले आए, ग्लास 5 की प्रोटेक्शन ले आए, तो वो तो देंगे आपको प्रीमियम फील, क्योंकि ग्लास बैक भी प्रीमियम फील देता है देता है, बट आजकल के प्लास्टिक बैग भी प्रीमियम फील देने लग गए हैं। तो अगर आपको प्रीमियम फील चाहिए तो विदाउट केस स्मार्टफोन बहुत अच्छा है। अब मैं बात करता हूँ एक ऐसी चीज की जो कि मतलब मैंने ऑब्जर्व की है, अगर आप अपने स्मार्टफोन को केस के साथ रखोगे, मतलब इस तरह का केस या किसी भी तरह का केस आपने अपने स्मार्टफोन के ऊपर चढ़ा लिया, तो क्या होएगा, जो आपके स्मार्टफोन जो आपको नेटवर्क जो सेम आपके जो सिम नेटवर्क कनेक्शन देता है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। आपको अपने नेटवर्क कनेक्शन कैसे चेक करना है, आपके सबसे पहले जाना है अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स पे। जब अपने आप स्मार्टफोन की सेटिंग्स पे जाओगे, अबाउट फोन पे जाना, अबाउट फोन पे जाके स्टेटस पे क्लिक करना, और जब स्टेटस पे क्लिक करोगे आप, वहां पर आपका जो होएगा सिम स्टेटस लॉट 1 पे क्लिक करना, वहां पर आप देख पाओगे जो सिग्नल स्ट्रेंथ है मेरे स्मार्टफोन की अभी 83 है, और ये जितनी कम होगी उतना बेटर है, ये चीज हमेशा माइंड में रखना, उतना आपको अच्छी सिग्नल मिल रही है। अब अगर मैं केस लगा के चेक करूं, तो इसको मैं अब हम जाते हैं फिर से सेटिंग्स पे, अबाउट फोन, अब यही चीज मैं केस लगा के चेक करके आप लोगों को दिखा रहा हूं, स्टेटस सिम स्लॉट 1 सिम स्लॉट 1 यही अब 86 हो गया। तो एक दो से भी ना जमीन आसमान का फर्क पड़ता है, और यही अगर बेसमेंट साइड मतलब किसी पार्टी ब्याह शादी कहीं भी जा रहे हो, वो ऑलमोस्ट मैक्सिमम शादी वगैरह बर्थडे पार्टी सब बेसमेंट में होती है, तो बेसमेंट का भी कनेक्शन नहीं आता। एक चीज ट्राई करना अपने स्मार्टफोन का कवर उतार देना, ये चीज मैंने ट्राई करी, मेरे लिए काम करी ये चीज। तो जहां पर नेटवर्क नहीं है विदाउट कवर, वहां पर आपका नेटवर्क पकड़ लेगा आपका स्मार्टफोन, क्योंकि जो एंटीनास होते हैं वो कुछ यहां पर होता है। तो अगर आप केस लगा रहे हो, वो एंटीनास के पास अंदर जाने की कोई जगह नहीं है, क्योंकि यहां पे देखो नॉइस कैंसिलेशन का होल है, आईआर ब्लास्टर एमआई का, हेडफोन जैक, चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, नॉइस वो नॉइस वाले हमारे होल्स, माइक्रोफोन, तो बस इन्हीं पोर्शन की जगह लॉक बटन वो बटन बस यही जगह, इसके अलावा तो कुछ और जगह नहीं है। कनेक्शन कहां से पकड़ेगा आपका फोन, तो जितना पकड़ सकता है उतना केस में पकड़ता है, पर विदाउट केस खुला है यार फोन, टोटली कनेक्शन पकड़ेगा। अब मैं ना आप लोगों के साथ एक सर्वे शेयर करना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले। उस सर्वे में क्या पता लगा, उस सर्वे में ये पता लगा है कि जो मैक्सिमम जो स्मार्टफोन ओनर्स है उनके फोन को कैसे डैमेज पहुंचता है। सबसे पहले जो होते हैं उनके जो होते हैं ये जो स्क्रीन वाला जो उनका पोर्शन होता है ये स्क्रीन वाला पोर्शन, 37% लोगों का स्क्रीन के ऊपर स्क्रैचेस पड़ते हैं,
तो टेंपर्ड ग्लास लगवा लो इस चीज का, तो यही सोल्यूशन है। अगले जो आते हैं 29%, वो ऊपर अपनी किसी ना किसी तरह की ड्रिंक्स, पानी वगैरह कुछ ना कुछ ऊपर अपनी ड्रिंक्स टाइप कुछ अपने स्मार्टफोन केसेस के ऊपर गिर लेते हैं। फिर आते हैं अगले 29% जिनके फोन पौड़ियों से, मतलब स्टेयर्स सीढ़ियों से जिनके फोन गिरते हैं। बचे 20% उनके फोन, 20% लोग जो कि अपना स्मार्टफोन अपने साथ बाथरूम में लेके जाते हैं, मेरे जैसे। जिनके 20% लोगों के स्मार्टफोन उनसे उनके पॉट में गिर जाते हैं। क्या आपके भी स्मार्टफोन भी पॉट में गिरा है? यार मेरा तो नहीं गिरा, टचवुड। बताओ जरा कमेंट करके कि आपसे कभी आपका कभी पॉट में गिरा है। तो ये 20% लोग हैं। तो प्रोटेक्शन केस से मिलती है, मैं ये नहीं कह रहा केस हमारे स्मार्टफोन को प्रोटेक्ट नहीं करते। विदाउट केस स्मार्टफोन वो लोगों के लिए है जिनको अपने स्मार्टफोन के मतलब पतला बिल्कुल स्लीक टाइप लुक चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी तरह से स्मार्टफोन्स जैसे ये भी केस मेरे फोन को थोड़ा सा तो मतलब केस, अब केस का तो भी कुछ वेट है, केस तो भी थोड़ा सा मोटा है जो कि मेरे स्मार्टफोन में ऐड हो के इसको थोड़ा सा और मोटा कर रहा है। मेरे पास बहुत तरह के केसेस लगे, आपको पता होगा मेरे स्टार्टिंग से सब्सक्राइबर हो। एक जो मेरा केस है वो है वो पॉच वाला, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ दो मिनट को, ये वाला केस, ये केस, ये स्मार्टफोन को किसी हद तक मोटा करते हैं। बीच में केस भी लगाया था, इसलिए मैंने वीडियो बनाई, मैंने केस क्यों लगाया था अगर आप वीडियो देखने जाके देखते तो उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। ये केस, अब ये केस मेरे फोन को मेरे फोन से ज्यादा मोटा करता है, ये वाला केस। तो इसीलिए जिन लोगों को पतला लुक चाहिए अपने फोन में, मतलब ये नहीं चाहिए हमारा फोन ज्यादा मोटा हो, बस पतला पतला रहे, तो उन लोगों के लिए मैं रिकमेंडेड करूंगा कि अपने आप लोग अपने स्मार्टफोन के ऊपर केसेस मत लगाओ। बट अब आप लोग बोलोगे भाई जब केस नहीं करते स्क्रैचेस पड़ जाते, ये आप लोगों की डिपेंड है। अपने स्मार्टफोन को ना हमने छोटे से जैसे बच्चा होता है यार, बच्चे को ना ऐसे उठा के ऐसे करके इधर उधर फेंक देते हो, प्यार से उसको बिठाते हो बेड पे, अच्छा बेटा बैठ। तो यही बात अपने स्मार्टफोन के साथ करो प्रोटेक्शन के लिए, विदाउट केस रखो, इधर उधर मत रखो, हमेशा अपने हाथ में रखो, इस तरह नहीं लगेंगे स्क्रैचेस। अब मैं बात करता हूं केसेस के, कि केसेस के क्या यूजेस है। अगर सबसे पहले हम इसी केस की बात करते हैं, ये वाला केस, अगर आपके पास इस तरह का केस है, अगर मैंने इस केस को लगा लिया और अगर आप देखोगे इस केस के इस पोर्शन पे, कैमरा लेंस वाले पोर्शन पे, अगर आप देख पा रहे हो कैमरा लेंस वाला जो इस केस का जो पोर्शन है, उस पोर्शन में क्या है, ये मेरे लेंस को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो अगर मेरा स्मार्टफोन कभी बैक वाले पोर्शन पे कभी गिरा तो ये मेरे कैमरा लेंस को बचा लेगा। तो ये केस उन लोगों के लिए जिनके हाथ से फोन मैक्सिमम 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 गिरता है, ये केस उन लोगों को मैं रिकमेंडेड करूंगा। स्क्रैचेस से पीछे केस बचाएगा, बहुत हद तक बचाएगा। जैसे आपसे स्मार्टफोन के ऊपर पानी गिरता है या किसी तरह की ड्रिंक्स वगैरह गिरती है, वो लोगों के लिए वाटरप्रूफ केस भी बने। आप जाके अमेज़न पे सर्च करो, जो भी आपका फोन जैसे अगर आईफोन 11 यूजर हो तो सर्च करो आईफोन 11 वाटरप्रूफ केसेस, थोड़े से महंगे होते हैं वो, बट आपके फोन को वो हर तरह के स्पेल से बचाएंगे। नोट 7 तो जाके सर्च करो रेडमी नोट 7 वाटरप्रूफ केसेस मिलेंगे, और सर्वे के अकॉर्डिंग जो वाटरप्रूफ केसेस होते हैं वो आपके स्मार्टफोन को टोटली पानी से नहीं बचाएंगे, मैं नहीं बोलूंगा हाँ कि पूरा पूरा पानी से बचा लेगा, 5 से 10 सेकंड्स तक आपके फोन के अंदर केस के अंदर पानी घुसने में तो टाइम लगेगा। एक नॉर्मल केस के अंदर पानी घुसने को 2-3 सेकंड तो लग ही जाएंगे, तो फिर वाटरप्रूफ केस में सिर्फ 10 सेकंड लेगा आपके स्मार्टफोन के पार्ट्स के अंदर पानी जाने के लिए। तो 5 से 10 सेकंड के बीच में वो वाटरप्रूफ है। अब हम बात करते हैं उन केसेस के बारे में जो कि आपके स्मार्टफोन को टोटली प्रोटेक्ट करते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं आई पैकी केसेस के बारे में, जो कि स्क्रीन के आगे से ऐसे करके पूरा राउंड प्रोटेक्ट करते हैं और पीछे से भी प्रोटेक्ट करते हैं, उस तरह के केसेस भी होते हैं। तो अगर आपसे फोन स्क्रीन के बल पे या बैक के बल पे ज्यादा गिरते हैं तो आप उस तरह का केस खरीद सकते हो। तो ये है कुछ डिफरेंट तरह के केसेस जो आप परचेज कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन कवर। अगर आपको लगता है हाँ कि आपसे फोन नहीं गिरता है, बिल्कुल नहीं गिरता है,
तो फिर मैं आपको रेकमेंडेड करूंगा आप अपना स्मार्टफोन विदाउट केस रखो, बेटर नेटवर्क कनेक्टिविटी मिलेगी। तो बस यही थी आज की वीडियो, जिसमें आप लोगों को बताना चाहता था कि जो स्मार्टफोन है विद केस की विदाउट केस बेटर है। तो दोनों केसेस में स्मार्टफोन बेटर है वो आपकी यूसेज पे डिपेंड है। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कुछ टाइम के लिए अपना स्मार्टफोन विदाउट केस फिर से रखने वाला हूँ और मैं बहुत जल्दी एक न्यू केस की अनबॉक्सिंग लेके आने वाला हूँ, एक न्यू कवर की। तो उसी टाइम अपने स्मार्टफोन में कवर ले आऊंगा, वाटरप्रूफ वाले, उससे पहले आपको एक और कवर की अनबॉक्सिंग मिलेगी कुछ एक दो वीक्स में। तो उस टाइम मैं स्मार्टफोन के वाला कवर चाहूंगा, जब तक मेरा स्मार्टफोन विदाउट कवर है। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर मेरी वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए अमेजिंग वीडियोस लेके आने के लिए। और अगर अगर मेरे चैनल नहीं सब्सक्राइब करो, इस तरह की अमेजिंग वीडियोस आती रहती है, और उस बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरी हर वीडियो नोटिफिकेशन हो, मेरी कोई वीडियो आप मिस ना।